अध्यक्ष बनाकर हिंदू मुसलमानों को दो अंके जैसा देख लेके तुम भी हो। ये तेलंगाना माहौल, ये तेलंगाना आम जनता भला के लिए, खासकर हमारे मुसलमान भाइयों, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में था हम लोग 4% रिजर्वेशन दिए, जब माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन से गरीब मुसलमान जो बेरोजगारी में था उन लोगों को बहुत कुछ हम मदद किए। मगर KCR के 7 साल में आज तक कोई मुसलमानों को मदद नहीं मिला। 12% रिजर्वेशन देने के लिए ऐलान करके मुसलमान भाइयों को धोखा दिए। इस बार हमारे मुसलमान भाइयों चाहे तो KCR को सबक सिखा सकते, जो इच्छा से श्रीमती सोनिया गांधी तेलंगाना दिए, हमारे मुसलमान भाइयों ने, हमारे हिंदू भाइयों ने लड़कर तेलंगाना हासिल किए, हमारा हाथ कामयाब नहीं हुए। इसलिए हिंदू मुसलमानों को दो आंके जैसा देख लेके एक सेक्युलर स्टेट बनाकर यहाँ हर आदमी के लिए काम करना है। और ये डबल बेडरूम घर देते बोल के मुसलमान भाइयों से वोट लिए, नौकरी देते बोल के धोखा दिए, 12% रिजर्वेशन देते बोल के ऐलान कर धोखा दिए, वक्फ का जगह पूरा खा ले रहा है। हर चीज़ में हमारे मुसलमान भाइयों को, नौजवानों को KCR धोखा पे धोखा देते जा रहा है। इसीलिए आज जो सेक्युलर पार्टी है इस हिंदुस्तान में, मुसलमान भाइयों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनवाए, चीफ मिनिस्टर बनवाए, गृह मंत्री ने बनवाए, हर मौका कांग्रेस पार्टी के समय में मिला, मगर KCR आने के बाद सब लोगों को धोखा दिए। इसीलिए आज इस जलसा में जो हम चार्ज ले रहा है, हमारे मुसलमान नौजवानों बच्चे फुल चार्ज होकर दबा के कांग्रेस पार्टी का आवाज़ सुनाने के लिए दरगाह पे इतने लोग मौजूद हुए, दरगाह में दुआ लिए, ये दुआ लेकर निकलूंगा, KCR को TRS को मैं हराऊंगा, ये गरीब मुसलमान भाई मौका मिला, सब नौजवान बच्चों को साथ में लेकर आगे चलूंगा, नौजवान बच्चों को राजनीति में लाऊंगा, मौका देऊंगा, हैदराबाद को इतना तरक्की करूंगा, पूरा हिंदुस्तान हैदराबाद के तरफ पलट के देखना। इससे पहले जब निज़ाम नवाब ने हैदराबाद को डेवलप किए, उसके बाद हमारा कांग्रेस सरकार डेवलप किए, उसको पूरा ख़त्म करने के लिए KCR साहब ने सोच रहा है। 105 साल पहले निज़ाम सरकार हुकूमत में थे, तब वो उस्मानिया दवाखाना बना है। आज निज़ाम के निशाने मीटने के इसमें जाल में निज़ाम दवाखाना को तोड़ना चाह रहे हैं, निज़ाम कॉलेज को तोड़ना चाह रहे हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी को ख़त्म कर रहे हैं। हर जगह में जो तेलंगाना में निज़ाम सरकार के वक्त में जो बनाया उसका निशान मीटने के लिए कोशिश कर रहा, मस्जिदों को शहीद कर रहा है, ये सब काम सेक्रेटेरिएट में है, सो मस्जिद को शहीद किए, तो ईसा बहुत सारे काम मुसलमानों के खिलाफ कर रहा है, हिंदुओं के खिलाफ भी कर रहा है। इसीलिए KCR को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है, ये वक्त को हर नौजवान इस्तेमाल करना, सही टाइम पे सही काम करना, KCR को सबक सिखाना। अच्छी है।
चले जी सर सर
भाई।